हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी, ठीक है, जो कि आप बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। और इसको बनाने के लिए आपको कोई आधा घंटा नहीं लगने वाला, कोई 45 मिनट्स नहीं लग रहा, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में आपकी ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। जो गर्ल्स रोज़ और हांडी बना के थक गई हैं, तो आप ये इजी से जल्दी जल्दी से इसको बना के आराम से खाना एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इजी सा बन जाता है, अंडे का भरता, ठीक है। तो ये रेसिपी उनके लिए है जिन्होंने अभी खाना बनाना नहीं स्टार्ट किया, तो वो स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। तो मैं उन्हें सजेस्ट करती हूँ कि वो इस रेसिपी से अपना खाना बनाना स्टार्ट करें, ठीक है। जब मुझे भी कुछ नहीं आता था बनाना, तो मैंने भी यहीं से स्टार्ट लिया था। तो आज मैं आप सबके साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि आप बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करेंगे, ठीक है। ओके, उसके लिए हमें इस रेसिपी को स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए यहाँ पे 2 मीडियम प्याज, ठीक है। साथ में हमें 10 हरी मिर्चें चाहिए और साथ में हमें 3 स्मॉल टमाटर, ठीक है। यहाँ पे फिर हमने 2 स्पून, ठीक है, 2 बड़े स्पून जो होते हैं जिसे हम हांडी हिलाते हैं, ठीक है, वो हमने 2 स्पून ले लेने हैं। उसके अंदर हमने ये लच्छेदार प्याज काटना है, ठीक है। हमने प्याज को सिर्फ डेड करना है, ब्राउन नहीं करना। जब हमारा प्याज यहाँ पे डेड हो जाएगा, तो हमने इसके अंदर चॉप किए हुए टमाटर डाल देने हैं, ठीक है। चॉप किए हुए, ये इस तरह से चॉप किए हुए हमने टमाटर डाल देने हैं, जो कि अब आपके पास स्क्रीन पे एक पिक्चर आ रही है, ठीक है। हमने ये चॉप किए हुए टमाटर उस प्याज में डाल देने और उसको भूनने लग जाना है। भूनते भूनते साथ में हमने इसके साथ ही स्पाइसेस डाल देनी है, और साथ में 1 या 2 आपने साबुत हरी मिर्ची डाल देनी है, ठीक है। जो स्पाइसेस हैं वो मैं आपको बताती हूँ। 1 टेबल स्पून हमने रेड चिली डाल देनी है, 1 टीस्पून हमने ज़ीरा ऐड कर देना है, ठीक है, वाइट ज़ीरा ऐड करना है इसके अंदर। फिर आपने टर्मिक ऐड कर देनी है 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून ही आपने सूखा धनिया ऐड कर देना है, ठीक है। ये सारा बैटर आपने उस अंडे और अंडे में नहीं, प्याज और टमाटर में डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपने ये 6 अंडे डाल देने हैं उसके अंदर, ठीक है, और उसको हल्की फ्लेम पे रख देना है। जब अंडा थोड़ा थोड़ा पकने लग जाए, तो आपने ऊपर से ये ढक्कन उतार के आपने उसको अच्छे से हिलाना है, बहुत ही अच्छे से, ठीक है। देखें, जब इसके अंदर पूरा अंडा अच्छे से पक जाए, तो आपने इसको हिला के अच्छे से इसको पकाना है कि ये सारा का सारा अंडा अच्छे से पक जाए और अंडे की जो स्मेल होती है वो बिल्कुल ना आए, ठीक है। क्योंकि अगर आप जैसे ही डालेंगे ऐसे हिलाएंगे, तो वो अंडा सही से नहीं पकेगा। इसलिए आपने उसको थोड़ी देर हल्की लो फ्लेम पे उसको पकाना है हल्का सा, फिर आपने उसको हिलाना है, ठीक है। और जब ये पक जाए, आपको लगे ये पक गया, ऊपर आपने हरी मिर्च डाल देनी है जो कि आपने चॉप की हुई थी। उसके बाद आपने इसके ऊपर गरम मसाला ऐड कर देना है 1 टीस्पून, फिर या फ्लेवर के हिसाब से हसबे ज़रूरत या हसबे जायका, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही प्यारा सा अंडे का भरता रेडी हो जाएगा। इसको आप गरम गरम रोटी के साथ खाएं, आपको बहुत ही मज़े का लगेगा, ठीक है। इसका जो फाइनल लुक है वो भी मैं आपको दिखा देती, फिर आप ऊपर इसके हरा धनिया डाल के सर्व करें, तो सबको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।